राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में सप्ताह का प्रत्येक वार जो है किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, उस दिन जो है उस देवी या देवता की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। वैसे तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के जो लोग हैं प्रत्येक दिन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन दोस्तों प्रत्येक वार भी जो है विशेष देवी देवताओं को समर्पित किया हुआ होता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शनिवार के दिन की। तो शनिवार का दिन, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि शनिवार का दिन जो है भगवान शनिदेव को समर्पित किया हुआ होता है। वैसे तो शनिदेव के जो सच्चे भक्त होते हैं वह उनकी हर रोज़ पूजा आराधना करते हैं, और जिस जातकों पर शनिदेव की कृपा होती है उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की समस्याओं का सामना उनको नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में शनि को न्याय का देवता या फिर दंडाध्यायक अधिकारी माना जाता है। वहीं यह भी मान्यता है कि शनि देव व्यक्ति को उस दिशा की ओर अग्रसर करते हैं जहां से व्यक्ति आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकता है एवं मोक्ष पा सकता है। जी हाँ दोस्तों, शनि देव व्यक्ति को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, परंतु जब मनुष्य मार्ग से भटक जाता है तो वह बुरे कर्म की ओर चल पड़ता है, तो उसे सही राह दिखाने के लिए शनि देव उसे दंड देते हैं या उन्हें अन्य प्रकार से सही मार्ग में लाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम जब शनिदेव का नाम सुनते हैं तो हम लोग डर जाते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा जानते हैं कि शनिदेव एक क्रूर देव है, लेकिन दोस्तों ये गलत है। शनिदेव जो है इंसान के कर्म के हिसाब से उनको जो है फल देते हैं, अच्छे को अच्छा फल देते हैं और बुरे को बुरा फल देते हैं। इसी हिसाब से दोस्तों शनिदेव को जो है न्याय के देवता कहा जाता है। जो अच्छे कर्म करते हैं शनिदेव उनको अच्छे ही फल प्रदान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार को कुछ विशेष उपाय करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कल्याण करते हैं। वहीं मनुष्य को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल भी शनि ही देव ही देते हैं, इसलिए अच्छे काम करने के साथ ही शनिदेव को प्रसन्न रखना आवश्यक बताया जाता है। जिस पर शनिदेव प्रसन्न हो जाए उसके सब कष्ट जो है दूर हो जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि यदि वे किसी पर प्रसन्न हो जाए तो उस व्यक्ति का भाग्य जो है चमक जाता है और उसका घर सुख संपत्ति से भर जाता है। इसके अलावा यदि शनिदेव किसी व्यक्ति पर क्रोधित हो जाए तो उसकी कुदृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो वह व्यक्ति पल भर में राजा से रंक बन जाता है, और शनिदेव द्वारा दिए जाने वाले इसी दंड के कारण लोग सदैव उनसे भयभीत बने रहते हैं। जबकि यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो शनिदेव भी आपको नुकसान कभी भी नहीं देते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप शनिवार के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानियां भगवान शनिदेव पल भर में ख़त्म कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप उस शनिवार के दिन जो है भगवान शनिदेव के समक्ष व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। व्रत रखने से भी भगवान शनिदेव जो है अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, शनिवार का दिन भगवान शनिदेव के साथ साथ जो है श्री राम भक्त और अत्यंत बलशाली भगवान हनुमान जी का भी रहता है। जिस भी व्यक्ति पर इन दोनों की कृपा हो जाए वह भव सागर पार हो जाता है। शनिदेव की दृष्टि से मनुष्य धन धान्य से पूर्ण हो जाता है, तो महाबली की दृष्टि से मनुष्य के दुश्मन अपने आप खत्म हो जाते हैं। शनिदेव और हनुमान जी की लाभकारी दृष्टि और उनका आशीर्वाद पाने हेतु आपको शनिवार के दिन इन उपायों का अवश्य ही करना चाहिए। शनिवार के दिन इन उपायों को करने मात्र से आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और आपके ऊपर जो है भगवान शनिदेव की कृपा अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों, इस शनिवार के दिन जो है अगर आप सरसों के तेल का ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, सरसों का तेल और शनिदेव से संबंधित कई ऐसे उपाय हैं जिन्हें शनिवार के दिन करने से भक्तों की सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि शनिवार के दिन आपको ऐसे उपाय करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती। तो दोस्तों, किसी भी शनिवार के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख कर हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाए, उसमें सरसों के कुछ दाने, दो लौंग और एक कपूर का टुकड़ा डालकर 3 बार बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपकी जो भी आपकी धन की इच्छा है या मनोकामना है वो बहुत जल्द पूरी हो जाए। ये उपाय करने से हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है।
और ऐसे ही दोस्तों शनिवार के दिन एक कांच की कटोरी में मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल को भरकर घर के पश्चिम कोने में रखना अच्छा होता है। इससे वास्तु दोष दूर होता है, साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों अगर आपके घर में जो है आर्थिक समस्याएं चल रही है, धन की कमी है, आर्थिक समस्या बहुत ही अधिक है, तो दोस्तों आपको सरसों का तेल को सुबह नहाने के बाद अपने घर के मुख्य द्वारा के दोनों दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा अवश्य गिराएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और अगर कुंडली में किसी ग्रह का प्रभाव हो तो वह भी खत्म हो जाता है। और दोस्तों एक काम करना चाहिए कि शनिवार के दिन शनिवार के शाम के समय आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। इसके बाद पेड़ के साथ चक्कर लगाएं, पीपल के पेड़ की साथ परिक्रमा करें। इस पूजा के बाद किसी काले कुत्ते को साथ लड्डू खिलाने से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। और ऐसे दोस्तों अगर आप व्यापार में सफलता चाहिए, आप कोई व्यापार कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं वो मंदा चल रहा है, तो आप चाहते हैं कि आपका व्यापार दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, तो अपने व्यापार स्थल पर रोज अपनी तिजोरी पर सरसों के तेल से स्वास्तिक बनाएं, उसके चारों कोनों पर सिंदूर लगाएं। ऐसा करने से आपका बिजनेस सफलता के चरम पर पहुंच जाएगा। और ऐसे दोस्तों शनिवार के दिन आप काले अपने हाथ की लंबाई का 19 गुना लंबे काला धागा लें, उसे एक माला के रूप में बनाकर अपने गले में धारण कर लें। यह अच्छा परिणाम देगा और भगवान शनि पर आपके ऊपर कृपा भी बनी रहेगी। और दोस्तों शनिवार के दिन आपको आटे की दो रोटियां बनानी है। जी हाँ दोस्तों, आटे की दो रोटियां बनाएं। एक रोटी पर सरसों का तेल और मिठाई रखें और दूसरी पर घी रखें। पहली रोटी जो तेल और मिठाई वाली है वह आपको किसी काली गाय को खिला देनी है और दूसरी जो घी वाली रोटी है उसी गाय को खिलाएं। जब शनिदेव की अब भगवान शनिदेव से प्रार्थना करें कि उनसे शांति और समृद्धि की कामना आपके घर पर बनी रहे। और दोस्तों ऐसे ही कुछ उपाय है और जो शनिवार के दिन करने से भक्तों पर शनिदेव की कृपा अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों इसके लिए अगर किसी व्यक्ति पर कुंडली में शनि की साढ़े साथी है, ढैया है, तो इसको दूर करने के लिए आपको कि भगवान शनिदेव बड़े ही दयालु होते हैं, जो भी भक्त उनको सच्चे मन से याद करता है शनिदेव उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर आपको शनिदेव की साढ़े साथी या ढैया कोई अन्य दोष हो तो शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दोनों हाथों से स्पर्श करके पीपल के पेड़ के साथ परिक्रमा करें। यह आप हर शनिवार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। याद रहे कि पीपल की परिक्रमा के दौरान ओम सम शनिस्तराय नमः मंत्र का जाप करें। ओम सम शनिस्तराय नमः मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, इससे आपकी सारी परेशानियां दूर होती है। और ऐसे दोस्तों शनिवार को शनिदेव के साथ ही भगवान हनुमान जी की भी पूजा करें। शनिवार की शाम को मछलियों का दाना डालें, चिट्टियों को आटा खिलाएं, इससे शनिदेव एवं हनुमान जी की कृपा से आपके भाग्य खुल जाएंगे। अगर आप पर कोई कर्ज या नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है तो हर शनिवार को ये उपाय जरूर करें, इसका असर आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने लगेगा। और ऐसे दोस्तों तीसरा उपाय जो कुछ इस प्रकार है कि शनिवार के दिन शनिदेव के साथ ही हनुमान जी के नाम पर भी रहता है। शनिवार के दिन आप दोनों भगवान के नाम का उपवास रखें। शनिवार शाम को जब आप उपवास तोड़ने से पहले एक रोटी लें और उसे अपने सामने रखकर आपकी जो भी इच्छा है मनोकामना है वो आपको बोल देनी है। जब आप यह करें तब रोटी साफ बर्तन में आपके सामने रखें। अपनी मनोकामना कहने के बाद उस रोटी को किसी भी काले कुत्ते या नीली गाय को काली गाय को खिला दीजिए। ये टोटका करने से आपके सारे बिगड़े काम सोने लगेंगे और अटका हुआ धन भी आपका वापस मिलने लगेगा। और ऐसे ही दोस्तों शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए, हनुमान जी के समक्ष तेल का दीपक करना चाहिए। और शनिवार के दिन ये दोनों काम करने के बाद आप ये टोटका करें तो आपकी काली चीज़ों का दान करें, जैसे उड़द की दाल, काला कपड़ा, काले तिल, काले चने की दाल किसी भी व्यक्ति को दान में दे दें। ये टोटका करने से आप पर शनिदेव हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी, फिर आपका कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो वह आपसे ही दुश्मनी खत्म करने लग जाएगा। तो दोस्तों ये सभी उपाय अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो शनिदेव की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। जिस व्यक्ति पर शनिदेव की कृपा हो जाए उस व्यक्ति पर कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है और उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों शनिदेव एक न्याय के देवता हैं जो व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से उसे फल परिणाम देते हैं। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा। शनिदेव अपने भक्तों पर बहुत ही जल्द प्रश्न होने वाले देवों में से एक देव भी बताए गए हैं।